इंदौर के युग पुरुष आश्रम में कालरा फैलने और बच्चों की मौत होने के बाद सभी बच्चों को तेजवाजी नगर स्थित परमधाम आश्रम में शिफ्ट किया गया था। उनमें से सोमवार शाम 16 वर्षीय आनंद पिता धन सिंह नामक बच्चा आश्रम से संदिग्ध अवस्था में गायब हो गया। कल दोपहर 12 बजे की गणना में आनंद आश्रम में ही था, लेकिन 7 बजे हुई गणना में वह उपस्थित नहीं मिला। मानसिक दिव्यांग बच्चे के लापता होने की सूचना लगते ही हड़कंप मच गया। आश्रम के जिम्मेदारों ने मामले की जानकारी जिला प्रशासन और तेजाजी नगर पुलिस को दी। सूचना पर तेजाजी नगर पुलिस ने तत्परता से आनंद की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वह नहीं मिला। आनंद को बाल कल्याण समिति हरदा से 10 जनवरी 2024 इंदौर के युग पुरुष आश्रम धाम में शिफ्ट किया गया था। आनंद आश्रम से ग्रीन कलर की टी शर्ट और ब्लू कलर का पैजामा पहनकर निकला था। उसकी टी शर्ट पर युग पुरुष धाम का लोगो लगा हुआ था। आश्रम में मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, लेकिन उस समय पीछे का रास्ता खुला हुआ था। ऐसे में उसके वहां से जाने की संभावना जताई जा रही है। युग पुरुष आश्रम धाम की प्राचार्य अनिता शर्मा के मुताबिक आनंद इस कदर मानसिक दिव्यांग है कि वह खुद नहीं जा सकता। इस आश्रम में युग पुरुष धाम के 122 बच्चे को शिफ्ट किया गया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस आश्रम में 131 बच्चों को शिफ्ट किया गया था। इस वजह से बच्चों की संख्या में संशय बना हुआ है। आनंद की तलाश के लिए तेजाजी नगर पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने उम्मीद जताई है कि वह बहुत अधिक दूर नहीं गया होगा और जल्द ही उसे तलाश किया जाएगा। कल शाम को 6:30 के आसपास मेरे पास फोन आया था, यहाँ की जो मैडम है उनका। मैं वहाँ पे बीसी में गई हुई थी और युगपुरुष धाम में गई हुई थी, तो वहाँ से पता चला कि 1.5-2 घंटे से एक बच्चा आनंद करके जो हरदा बाल कल्याण समिति से आया था 10 जनवरी 2024 को, तो वो यहाँ मिल नहीं रहा है। तो फिर जैसे ही मेरे को पता चला तो सबसे पहले मैं भरकुआ थाने पे गई, वहाँ पर मैंने केस दर्ज कराया, लेकिन पता चला कि वो केस यहाँ का नहीं, तो फिर मैं इधर आगे वाले थाने पर गई और वहाँ पे पूरा दर्ज कराया। परम धाम आश्रम है, वहाँ पर कल मेंटली रिटार्डेड बच्चों को रखा गया था 7 तारीख को, जो कि पंचकुइया से यहाँ शिफ्ट किया गया था। उसमें से एक बच्चा आनंद पिता धन सिंह है, जो उम्र 16 वर्ष है। यहाँ की जो अधीक्षिका थी अनीता शर्मा मैडम, उनने आकर के बताया कि सर वो शाम को 4 बजे तक के था और 7 बजे वापस जब गिनती करी तो उसमें वो नहीं था। तो आकर के उनके द्वारा सूचना दी गई, जिस पर से इसमें हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है और बालक की तलाश की जा रही है। बुरहानपुर जिले के श्री कृष्ण मंगल परिसर में प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर कुंडी भंडारा की एक कुंडी होने के अंदेशा पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बुरहानपुर स्थित ऐतिहासिक पुरातात्विक तत्विक धरोहर भूमिगत जल संरचना कुंडी भंडारा की 108 कुंडियों में से एक कुंडी मैरिज गार्डन के परिसर में भी थी, जिसे मैरिज गार्डन संचालक ने कथित रूप से ध्वस्त कर दिया था। बलिराम दुर्वे नामक व्यक्ति ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की शिकायत पर बुरहानपुर जिला प्रशासन को मामले की जांच पर रिपोर्ट तलब की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन की टीम याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए स्थान पर खुदाई शुरू करने गई। यदि यह साबित हो जाता है कि मैरिज गार्डन संचालक ने कथित रूप से जिस कुएं को क्षतिग्रस्त किया वह वाकई में ऐतिहासिक धरोहर कुंडी भंडारा की गई कुंडी है, तो इसको लेकर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। माननीय कलेक्टर महोदय के न्यायालय में श्री बलिराम धुर्वे द्वारा एक शिकायत के आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा नगर निगम की टीम और मेरे द्वारा इसका संयुक्त निरीक्षण करना था। यहाँ पर श्री कृष्ण मंगल परिसर है लालबाग रोड पर, यहीं पर जल स्रोत कुआ है, कुंडी भंडारे के जल के स्रोत के रूप में जो जाना जाता है। वहाँ पर शिकायत ये थी बलिराम धुर्वे जी की कि पेवर्स ब्लॉक लगाकर उसके साक्ष्य मिटाए गए हैं। उसी की जांच के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा दोनों को संयुक्त रूप से दल गठन करके आज उनको खुदाई करके उसको चेक करना था कि वास्तव में यहाँ पर कुआ है या नहीं है। बुरहानपुर जिले के नयाखेड़ा में तेंदुए ने खेत में गाय के बछड़े को अपना शिकार बनाया, ग्रामीण दहशत में है। बुरहानपुर जिले के नयाखेड़ा में किसान इमरान खां अकरम खां के खेत में तेंदुए ने गाय के बछड़े को अपना शिकार बनाया। किसान के खेत में देर रात 3 बजे के लगभग तेंदुए ने गाय के बछड़े को अपना शिकार बना लिया। किसान इमरान खान ने बताया कि देर रात 3 बजे के लगभग तेंदुए ने मेरे खेत में बंधे बछड़े को अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद बछड़े की मौत हो गई, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। किसान ने फॉरेस्ट विभाग की टीम को सूचना दी। फॉरेस्ट विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। पंचनामा बनाकर फॉरेस्ट विभाग ने तेंदुए को पकड़ने का आश्वासन दिया है।
तेंदुए ने गाय के बछड़े पर मेरे खेत में हमला किया। फॉरेस्ट्री विभाग को अपने सूचना दी, फॉरेस्ट्री विभाग को सूचना दी, मौके पर आके उन्होंने पंचनामा बनाया और पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। क्या नाम है आपका? अकरम खान। जर्जर सड़क के निर्माण कार्य नहीं होने पर लोगों ने गांधीगिरी से किया विरोध प्रदर्शन। हाईवे से निकले वाहन के चालकों को दिए गुलाब के फूल, जिम्मेदारों के कानों तक आवाज पहुंचाने की कवायद। बुरहानपुर से मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र व गुजरात को जोड़ने वाले अलंकेश्वर बुरहानपुर नेशनल हाईवे के जर्जर होने का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं और जर्जर रोड के जल्द निर्माण की मांग की जा रही है। मानसून की बारिश के बाद जर्जर मार्ग पर हुए बड़े बड़े गड्ढे छोटे छोटे तालाब बन गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने इस जर्जर मार्ग पर सफर करने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर गांधीगिरी की। ऐसा करने के पीछे ग्रामीण का मकसद यह है कि राह चलने वाला हर नागरिक इस जर्जर नेशनल हाईवे के निर्माण व मरम्मत के लिए किसी भी माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करे ताकि जिम्मेदारों के कानों तक यह आवाज पहुंच जाए और जल्द से जल्द इस जर्जर नेशनल हाईवे की मरम्मत व निर्माण कराई जाए। मध्य प्रदेश का किसान एक बार फिर से मोहन सरकार के खिलाफ आंदोलन करता हुआ नजर आने लगा है। मूंग को मुद्दा बनाकर राज्य का किसान अब सरकार से सीधा संवाद करना चाह रहा है। आपको बता दें, गर्मी के मौसम में होने वाली मूंग की फसल के उपार्जन में तय की गई लिमिट को लेकर किसान आंदोलन की राह पर है। पिछले साल प्रति हेक्टर 16 क्विंटल तक मूंग खरीदी गई थी और इस बार सिर्फ 8 क्विंटल की लिमिट रखी गई है। एक दिन में किसान सिर्फ 25 क्विंटल ही फसल बेच सकते हैं। यही कारण है कि जबलपुर सहित कई जिले में बीते कई दिनों से किसान मूंग उपार्जन नीति का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर के किसानों ने भी घंटाघर चौक पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार की मंशा के प्रति अपना विरोध जाहिर किया। कांग्रेसों की मांग है कि मूंग उपार्जन में इस फसल की उत्पादकता प्रति हेक्टर पिछले साल की तरह 16 क्विंटल की जाए, साथ ही एक किसान की एक दिन में अधिकतम 25 क्विंटल की खरीद की लिमिट बढ़ाकर 40 क्विंटल की जाए, जिससे बार बार खरीद केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। हर किसान से अधिकतम 100 क्विंटल मूंग की खरीद का विरोध भी किसान कर रहे हैं। आज हम जिला जबलपुर में अपने भारतीय किसान संघ जिला जबलपुर के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जब पिछले वर्ष आपने 16 क्विंटल खरीदी मूंग की थी तो आज इस वर्ष 8 क्विंटल क्यों कर दिया, इसका कारण क्या है, इसका जवाब आपके पास क्या है। एक तरफ तो आप किसान से बोल रहे हैं कि आप भरपूर उत्पादन करिए, देश के भंडार भरें, लेकिन किसान अपनी मेहनत रात दिन कर रहा, उसके बाद भी आप खरीदी मात्रा 8 क्विंटल किए हैं। इसके विरोध में आज हमारा भारतीय किसान संघ जिला जबलपुर धरना आंदोलन के माध्यम से ये विरोध प्रकट करता है और आपसे मांग करता है कि आप पिछले वर्ष जैसे 16 क्विंटल मूंग खरीदी करें और दिन की औसत क्षमता 40 क्विंटल करें, अन्यथा हमारा भारतीय किसान संघ रोड पर आएगा।